आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। लद्दाख के कारगिल के कबाड़ी नाला इलाके में शनिवार को एक 3 मंजिला बिल्डिंग ढह गई। घटना में 12 लोग घायल हो गए, सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है। घटना सुबह करीब 3:45 की है। बिल्डिंग पहाड़ी की ढलान पर बनी थी, नीचे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इसी दौरान मिट्टी धंसने से हादसा हुआ। घायल हुए लोगों में से अर्थ मूवर, मिट्टी और चट्टान हटाने वाली मशीन के ड्राइवर समेत 5 को घर के मलबे के नीचे से निकाला गया। अर्थ मूवर मशीन मलबे के नीचे दब गई थी, ड्राइवर उसके कैबिन के अंदर फंसा था। बचाव कर्मियों को मलबा हटाने और अर्थ मूवर मशीन के क्षतिग्रस्त केबिन के अंदर से अर्थ मूवर के ड्राइवर को बाहर निकालने में लगभग 3 घंटे लग गए। अधिकारियों ने बताया कि बिल्डिंग ढहने की सूचना मिलने के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। पुलिस और सेना के जवानों के बीच स्थानीय लोगों ने भी रेस्क्यू में मदद की। घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है, इनमें से ज्यादातर बिल्डिंग में रहने वाले किराएदार थे। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।